आप ज्यादा से ज्यादा अरविंद केजरीवाल को कुछ महीने कैद कर सकेंगे। तो क्या कारण था कि अरविंद केजरीवाल जी को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार करवाया? आम जनता तक वो जवाब पहुंचे उसके लिए आम आदमी पार्टी अरविंद जी का एक खत जनता के लिए लेके जाएगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया। वहीं इस केस में केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। उस वक्त वह मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद थे। करीब 50 दिन बाद 10 महीने को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन के लिए आम चुनाव के प्रचार के लिए केजरीवाल की रिहाई को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की 1 जून तक की रिहाई मंजूरी की थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। अरविंद केजरीवाल को ईडी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को जमानत दे दी थी। 13 सितंबर को केजरीवाल को आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में जमानत मिल गई थी। वहीं अब आज का दिन है। सौरभ भारद्वाज ने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के मामले में सरकार पर निशाना साधा है। ये सवाल दिल्ली के सब लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी को तो मालूम ही था कि इस मामले में कुछ नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अरविंद केजरीवाल को कुछ महीने कैद कर सकेंगे। अंततः अरविंद केजरीवाल इस मामले में बाहर आएंगे। तो क्या कारण था कि अरविंद केजरीवाल जी को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार करवाया? इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री जी ने खुद कई बार लोगों को दिया, मगर आम जनता तक वो जवाब पहुंचे उसके लिए आम आदमी पार्टी अरविंद जी का एक खत जनता के लिए लेके जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ इस डर से कि दिल्ली में हो रहे काम बाकी देश में ना पहुंचे। अगर दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छे स्कूल अस्पताल चलते रहे तो भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में जो राज्य सरकारें हैं उनसे सवाल हो रहे हैं कि आप क्यों नहीं दे देते फ्री बिजली जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में देते हैं, आप क्यों नहीं बना देते वर्ल्ड क्लास स्कूल जब अरविंद केजरीवाल बना रहे हैं। तो ये सवाल हर राज्य में जो उठ रहा है उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये सोचा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके इन सारे कामों को बंद किया जाए। और हुआ भी यही कि उनको गिरफ्तार करने के बाद उनके सारे काम बंद किए। सौरभ भारद्वाज के इस बयान को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।